कुछ करेगा, कुछ करेगा लाइफ में, या ऐसे ही स्टैचू बन के इस पानी के पास में खड़ा रहेगा, कुछ करेगा। अरे कल आ रहे हैं वो लड़के वाले मुझे देखने, मेरे अब्बू मेरा निकाह तय कर देंगे, फिर हम दोनों का सब कुछ खत्म। फिर अगर तू कुछ करना भी चाहेगा ना, कोई फायदा नहीं है उसका करने का, वैसे तुझसे कुछ होगा नहीं, तू यही चाहता है ना हमारा सब कुछ खत्म हो जाए। हां नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूं यार ऐसा। फिर कुछ करेगा लाइफ में, नहीं करेगा, कुछ होगा ही नहीं तुझसे, तू क्या करेगा? तू आज तक कुछ नहीं किया तो तू आगे क्या करेगा? चल निकल। आज तू सुन गजल शाम, प्लीज कुछ नहीं होगा तुझसे। मैं करूं क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ कर मत, कुछ मत कर। बात तो सुन गजल, लड़के तो परेशान क्यों करती है यार? यार क्या करूं, इतना टेंशन क्यों देती है लड़कियां मुझे यार? आ ध्रुव किधर है तू? घर पे। अरे इधर आ फटाफट यार। इधर पर? वहीं पर जहां पे मैं सुसाइड करने वाला हूं कल। क्या, किधर है तू? जेटी पे आना यार। अबे तू मेरी हेल्प करेगा कि नहीं, ऐसे सोचता रहेगा पागल की तरह? अरे दो मिनट तो दे सोचने को यार। अरे इतना कौन सोचता है यार, हेल्प करना। अच्छा मुझे ये बता, ये लड़के वालों को उसके अब्बू ने अभी तक देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा है ना बाबा। अगर लड़के को देखा ही नहीं है तो फिर सेट है। क्या सेट है? देख कल लड़के वाले 12 बजे घर से निकलेंगे, के बाद जैसे उन लोग घर से बाहर निकलेंगे, नीचे हम उनको किडनैप कर लेंगे। और उसके बाद बच्ची यार बहुत डर लग रहा है, ये सब मैंने कभी नहीं किया। अरे ध्रुव यार गेट के सामने कैसा मत कर यार, कुछ नहीं सब सही होगा, तू घंटी रखा। बच्ची लेकिन बात कैसे करेंगे, मुझे नहीं आती उर्दू यार। अरे ध्रुव वो लोग भी हिंदी में ही बात करते हैं, तो खाली हिंदी बोलनी है। बच्ची तू नहीं समझ, तू घंटी दबा। शाम तेरा दाढ़ी निकल गया। ठीक ठीक कर। अरे क्या पागल आदमी है, दाढ़ी संभालना यार, बेल बजा दी मैंने। ठीक करना यार, आते होंगे वो। अरे शेख साहब आइए आइए। तू बाप बना है मेरा, बाप लोग प्यार नहीं पढ़ते, बच्चे लोग पढ़ते, तो मैं पढ़ लूं। अरे शाहिद बेटा अंदर। और जावेद साहब सब खैरियत? बस आपकी दुआ है। अरे शेख साहब, सोहेल साहब से तो आपके बेटे की बहुत तारीफ सुनी थी, माशाल्लाह आज देख भी लिया। अरे जावेद साहब मेरा बेटा तो लाखों में एक है, लाखों में। अरे कई सारे रिश्ते आए, लड़कियों की लाइन लग चुकी थी। अच्छा? लेकिन मैंने सारे ठुकरा दिए, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदले। शेख साहब पानी लीजिए। वाह जावेद साहब, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। अम्मा मियां। अरे रुकिए आप, मेरे बेटे और आपकी बेटी की जोड़ी तो खुद खुदा ने लिखी है। ये दोनों की जोड़ी तो धूम मचा देगी, धूम। अम्मा मियां जी, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हैं? ये हमारी वाली है भाई। आप अंदर जाइए। लाहौल विला कुवत। जावेद साहब गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। और बेटा सुना है आपको चिकन बहुत पसंद है, खास आपके लिए बनवाया है, वो भी अपनी बेटी के हाथों से। गजल बेटा जरा चिकन तो ले आइए। बैठो बेटा। बेटा हाँ? भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। नहीं नहीं वो उपास है आज। क्या वो? नहीं वो एसिडिटी, पेट खराब हो गया, एसिडिटी बहुत हो गई आज। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, अभी आप जवान हैं और मेरी बेटी ने बनाया है,
आपको खाना पड़ेगा। नहीं 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 चिकन नहीं, हम मानेंगे अबू। अबू सर समझाइए ना अबू। मिनट बेटा समझा तो अबू। खिलाइए इसे। अबू ये हुई ना बात, जबरदस्ती खिलाइए। नहीं आपको नहीं, खाना चिकन पड़ेगा, आपके लिए बनवाया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन्हें भी चिकन बहुत पसंद है क्या? अम्मा मियां आप क्यों खाली बैठे हैं? ये बात सुनिए, हम नहीं खाते। खिलाइए। अभी आपने क्या कहा था? क्या कहा था? रिश्तेदारी भी बदलने वाली है। नहीं आपको तो नहीं, 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 और बेटा अब तो आपको मेरी बेटी के हाथों से जिंदगी भर ये खाना पड़ेगा। अरे बेटा जरा जल्दी जल्दी खाइए, अभी तो आपके लिए मटन कबाब कीमा कोफ्ता सब बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। बस हो गया, पेट भर गया, सुन के ही पेट भर गया हमारा। अरे काफी खातिरदारी कर दी आपने। बस नहीं 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 बस 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 हो गया, अभी पेट भर गया, अभी आगे की बात कर लेते। मामिया ये आपका लाइसेंस गिरा। हाँ जी, हाँ मेरा ही लाइसेंस था, मेरा ही लाइसेंस था। सब सब खैरियत है ना? अब सब खैरियत है। हाँ तो जावेद मियाँ, अब हम जिस मुद्दे के लिए मिले हैं उस बारे में बात कर लें। शेख साहब, हमें आपका बेटा तो बहुत पसंद आया है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ज़रा अपनी बेटी से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, आप प्लीज़ बात कर लीजिए। शुक्रिया बेटी, ज़रा उधर चलें। बेटा सोहेल सुजन की बहुत तारीफ सुनी थी मैंने, पर मुझे ये लोग आज थोड़ा अजीब टाइप के लग रहे हैं। हाँ अबू, अजीब तो बहुत है ये लोग। तो क्या बोलती हो, ना बोल दूँ इनको? ना। अरे लेकिन बेटा अभी तो तुमने हाँ, I'm sure यही मेरा शो बनेगा। आप अभी के अभी निकाह कर दो अबू, अभी के अभी निकाह कर दो। शेख साहब, मेरी बेटी को आपका बेटा पसंद आ गया। अरे वाह वाह। अरे बेटा ये सब शादी के बाद, कंट्रोल 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 बेटा कंट्रोल। तो जावेद साहब मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है, मैं जितना जल्दी हो सके निकाह की सारी तैयारी शुरू करता हूँ। जी जरूर। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी मेरी बेटी, ठीक है? तो अब हम निकलते हैं, फटाफट निकलते हैं, हमको थोड़ा लेट हो रहा है, हम फटाफट निकलते हैं इससे पहले भांडा फूट जाए। जी, जी जरूर। ये निकाल नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि असली शाहिद मैं हूँ और ये मेरे अब्बू और इन लोग बहरूपी हैं। देखिए अब्बू जान, असली शाहिद मैं हूँ, दाढ़ी इधर है। भाई शाहिद मैं हूँ, दाढ़ी तो यहाँ भी है। असली शाहिद मैं हूँ, लंबी दाढ़ी इधर है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं असली शाहिद हूँ और ये मेरे अब्बू, और ये जो लड़का है ना शाम, ये हिंदू है, ये आपकी बेटी का आशिक है, इसलिए मुसलमान बन के एक्टिंग कर रहे हैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। देखिए अब्बूजान वो झूठ कह रहे हैं, मैं मुसलमान हूँ, असली मुसलमान हूँ, मेरा नाम शाहिद है। अब्बूजान हेल्प कीजिए ना। अरे जावेद साहब हम मुस्लिम ही हैं, आप हमारा विश्वास कीजिए, हम हिंदू नहीं है। मैं शाहिद हूँ, ये शेख साहब है। और जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव। मेरा फोन आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। अबे रुक रुक। फंचो फंचो कितनी गर्मी,